नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है। बलरामपुर के जय पैलेस में मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि डीएमओ बलरामपुर पवन कुमार सिंह साहब, विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा, प्रदेश महासचिव सुनील सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी अनंत प्रताप सिंह जी रहे। इस अवसर पर जिले के सैकड़ों मदरसा आधुनिक शिक्षक उपस्थित रहे। मदरसा टीचर इरफान पठान ने कहा कि हम मदरसा अध्यापकों को वर्तमान सरकार से बहुत उम्मीद थी, जो अब पूरा होता दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान की जो सरकार है, वह मदरसा टीचर के लिए बेहतरी से काम कर रही है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय ने कहा कि आप सब मन से मदरसा में पढ़ाते हैं, इस बात को सरकार भली भांति जानती है। आप सबके बेहतरी के लिए मानदेय भी जारी हो रहे हैं। वहीं पर जिला मीडिया प्रभारी डीपी गुप्ता ने कहा, बीजेपी सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, उसको मदरसा आधुनिक टीचर का मानदेय पूरा कर रही है और हम मदरसा शिक्षा सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर चलते रहेंगे। इस अवसर पर रईस अजहरी, मोहम्मद आजाद, धनी राय मौर, मार्फत अल्लाह, नसीम कलीम, पूजा रामपाल, राजेश वर्मा, अनवारुल हुसैन व सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। सलीम अहमद के साथ मोहम्मद हकीम उर्फ आजाद की प्राइम न्यूज 24 बलरामपुर से रिपोर्ट।